अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जमकर उड़ाए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आदर्श ग्राम पंचायत केरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भारी संख्या में ग्राम पंचायत केरा पहुंचे थे। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत शिवरी नारायण के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी एवं उनके साथ पार्षदगढ़ और भारी संख्या में ग्रामीण और दूर दराज से आए भारी संख्या में देखने को मिले पहुंचे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, देश में कोरोना की तीसरी लहर डोल पड़ी है और सरकार लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान अंजनी मनोज तिवारी नगर पंचायत शिवरी नारायण ने कोरोना करो गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई। वह खुद बिना मास्क के नजर आई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से किसी भी ने मास्क सैनिटाइजर का उपयोग ना या फिर युक्त है सरकार की गाइडलाइन का कार्यक्रम में जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने खुलकर धज्जियां उड़ाई। वही मंच से लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा जा रहा सकता है कि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया था। अब वही छत्तीसगढ़ के अधिकतम जिलों में कोरोना के संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन करने के लिए आदेश दिया है। वही कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाई। वही जांजगीर जिले में कोरोना के वह भारी आंकड़े देखने को मिल रहा है। क्या इस कार्यक्रम के भारी संख्या में मौजूद लोगों को यदि संक्रमण कोरोना हो गया तो मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी तिवारी वही पत्रकार के पूछे गए सवाल पर साफ तौर पर सवाल किया कि कार्यक्रम में किसी ने मास्क सैनिटाइज उपयोग किया गया। फिर अध्यक्ष महोदय पत्रकार में भिड़क उठे और यहाँ तक कि कह डाला कि आप इस प्रकार से बाइट ले रहे हैं तो कैमरा बंद कर लीजिए। पत्रकार ने सरकार की गाइडलाइन बतानी चाहिए तो उल्टा अध्यक्ष अंजनी महोदय पत्रकार पर भड़क उठे और उन्हें यह कह डाला कि आप यहाँ से चले जाए। अब देखना होगा कि किस कार्यक्रम के मौजूद लोगों पर एक भी कोरोना और बढ़ते हुए संक्रमण यदि किसी भी सिलसिला देखने को वाले लोगों पर हो गया तो संपूर्ण जवाबदारी का मुख्य अतिथि के रूप में क्या होगा। कलेक्टर साहब इन पर भी कार्यवाही करेंगे। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं। मैं अध्यक्ष नगर पंचायत श्री नारायण अंजनी मनोज तिवारी, यहाँ ग्राम केरा में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सम्मानित की गई हूँ। और यहाँ का प्रतियोगिता आज 22वां साल जो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है इसमें महिला और पुरुष दोनों का होता है। बाहर बाहर से आए हुए राज्य से भी खिलाड़ी बाहर बाहर से आते हैं, जैसे भुवनेश्वर है और बाहर से आते हैं बिलासपुर से, पामगढ़ से, जहांगीर इस तरह अपने छत्तीसगढ़ से ही तो आते ही हैं, बाहर से भी आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है केरा गांव के लिए और ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ऐसा नगर है जो इस तरह का आयोजन करता है, अपने देश में अपना एक विशेष स्थान रखता है कि इस तरह का आयोजन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मास्क लगाए हैं और कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया है और यहाँ तो सभी खिलाड़ियों को जो सेकेंड डोज लग गया है उन्हीं को यहाँ पात्रता दी गई है और बिना कोविड गाइडलाइन के पालन के बिना यहाँ कोई प्रतिभागी नहीं है और ना ही कोई दर्शक। इनाम कितना कितना का इनाम है? जी 21,000 का है, द्वितीय इनाम 15,000 का है, तृतीय इनाम 10,000 का है और चतुर्थ 7,000 का इनाम। लगा हो इसमें लॉकडाउन का जी नहीं, आप वाइट ले रहे हैं इसलिए मास्क निकाला गया। आपका बगल वाले भी लगा रहे हैं? उन लोग सब कोविड नियमों का पालन कर चुके हैं। अभी आप कैमरा में ले रहे हो तो दिखेगा कैसे आपका? पीछे वाला भी नहीं लगा है मास्क, फेस में ढका रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे? पीछे वाले पीछे वाले भी आप ऐसा बाइट लेंगे तो आप बंद कर दीजिए। बस हो गया।